नमस्कार, सुप्रभात। सुबह की ताजगी, सुबह का नज़ारा, जाग उठा है आलम सारा। स्वीकार कीजिए प्यार हमारा, खुशियों का है कारोबार हमारा, और आपके लिए है मुफ्त सारा। स्वागत करता है आपका सब रंग। दोस्तों, खुशी एक ऐसी शक्ति है, जब आप इसे साथ लेकर चलते हैं तो हर कार्य सहज हो जाता है। जो खुशी के विमान पे सवार हो जाता है, उसको तो सफ़र का पता ही नहीं चलता। और खुशी जो है, खुश नसीबी को भी दावत देती है। तो आज अपने आप से कीजिए वादा कि आप प्रसन्न रहकर, खुश रहकर हर कार्य करेंगे, तो देखिए फिर कैसा जादू होता है। और कुछ ऐसा ही कहता है आपसे आज का सुवाक्य। नमस्कार। अगर हम हर कार्य खुशी से करें तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगेगा। अगर हम जीवन के अंदर कार्यों को खुशी से करते हैं तो हमें थकान नहीं होती है। ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं और 24 घंटों में हमें कई बार बहुत से कार्य करने होते हैं, और उन कार्यों को करते हुए हम स्ट्रेस, थकान और उलझन का भी सामना करते हैं। वो क्यों होता है जीवन में? क्योंकि उन कार्यों को हम खुशी से नहीं करते हैं। अगर हम उन कार्यों को खुशी से करने लग जाएं, तो वो कार्य सहज हो जाते हैं। कभी कभी बहुत मुश्किल कार्य भी हमें बहुत आसान लगता है, क्योंकि हम खुशी से करते हैं। और कभी कभी बहुत आसान काम भी हमें बहुत जटिल लगता है, उसकी वजह भी यही है। तो आइए आज से ये हम समझ ले कि जब हम छोटा बड़ा काम खुशी से करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी सेल्स का निर्माण होता है, और ये एनर्जी सेल्स हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। और जब हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है खुशी से, तो हमारी थकान भी कम होनी होती है। तो आइए आज से हम खुश रहें, मुस्कुराएं और हर कार्य को खुशी से ही स्वीकार करें। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को, सेहत को संभालने के लिए जो स्वास्थ्य का ज्ञान है, वो हमें जीवन में सदा ही मदद करता है। और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे जगत में हैं जहाँ हमारे पास एंशियंट एंड मॉडर्न सभी तरह का स्वास्थ्य ज्ञान उपलब्ध है। यदि आप जीवन में किसी भी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, कोई भी सफलता प्राप्त करने चाहते हैं, तो आपको अच्छी सेहत की ज़रूरत पड़ने वाली ही है। आपका स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, आप सफलता का भी उतना ज़्यादा आनंद ले सकेंगे। और इसलिए बड़ी ज़रूरत है कि आप ऐसी मनोवस्था से, ऐसी शारीरिक अवस्था से दूर रहें जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ऐसी एक शारीरिक अवस्था है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसे आज हम आपको बताएंगे कि वो क्या है, और अपने विचारों को हमसे साझा करेंगे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। आइए जानते हैं उनसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज सारे विश्व में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ती जा रही है। ये डिजीज में एक मुख्य बीमारी जो आती है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें चार मुख्य फैक्टर्स होते हैं। अगर आप अपने अंदर देखेंगे तो भी शायद आप पाएंगे। पहला है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा, हाई शुगर लेवल्स। तीसरा है हमारी वेस्ट जो हमारा पेट होता है, वो हमारा विसरल, ओबेसिटी बढ़ जाती है। और चौथी जो बात है दोस्तों, वो है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं और हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कम हो जाता है दोस्तों। इसको हम डेडली क्वाड्रेंट भी कहते हैं, और इसकी इंसिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चार बार मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, इसमें क्या होता है, इंसुलिन बढ़ जाती है और शुगर भी बढ़ी रहती है, वेट बढ़ता रहता है, और डायबिटीज शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, अर्थात इंसुलिन इनफेक्टिव हो जाती है।
इंसुलिन भी हाई रहने और ब्लड प्रेशर, इससे फिर ऐसे लोगों को हार्ट डिजीज़ होने का चांस अधिक है, स्ट्रोक होने का चांस अधिक है, डायबिटीज़ रूप में मैनिफेस्ट रूप में होने का चांस अधिक है, और ऐसे लोगों को स्लीप एपनिया सिंड्रोम अर्थात वो स्नोरिंग ज़्यादा करेंगे, उनका स्लीप रास्ते में जो है ना रात में उनका सांस बीच में रुक जाता है और उनको बहुत ज़्यादा स्नोरिंग होती है, उससे ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है ब्लड में और दिमाग में ऑक्सीजन कम जाती है। ऐसे डिप्रेशन भी इन लोगों को अधिक होता है, स्किन डिजीज़ भी ऐसे लोगों को अधिक होती है, और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज सिंड्रोम भी एक बीमारी होती है, वो भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसमें सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के दोस्तों। तो ये जो बीमारी एक प्रिवेंटेबल बीमारी है, इसको अगर हम ध्यान रखें, अपना डाइट का हम ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अगर हम एक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, जब जब आप टेंशन में आते हैं, गलत सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में आता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से आपका लीवर से ग्लूकोज का मेटाबोल ग्लूकोज वहाँ से मोबिलाइज होता है, शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, उसको कम करने के लिए इंसुलिन ज़्यादा निकलती है, और एक सीवियर मतलब एक विशेष साइकिल बन जाती है दोस्तों। इसके लिए मेडिटेटिव लाइफस्टाइल वंडरफुल है, जो हम थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं। इसमें हमने काफ़ी पेशेंट्स पे इसमें ट्रायल किया है, स्टडीज़ भी की हैं, और हमने पाया है कि सही ढंग से अगर एक योगिक जीवन शैली को अपनाएं, राजयोग जीवन शैली को अपनाएंगे, तो आप इसमें, क्योंकि इसमें आपके अंदर विल पावर आ जाएगी हेल्दी डाइट लेने की, हेल्दी एक्सरसाइज करने की, प्रॉपर समय पर सोने की, स्मोकिंग अल्कोहल को अवॉइड करने की, और ये चारों बातें जब कम हो जाएंगी तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरे के साथ एसोसिएटेड इलनेसेस हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। ओम शांति। एक बहुत ही सुंदर गीत है, तुझको चलना होगा, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। दोस्तों, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया की गति के साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई कारोबार करते हैं, चाहे वो लघु है, सूक्ष्म है, मध्यम उद्योग है, बहुत ज़रूरी है आप उसमें एडवांसमेंट करते रहिए, क्योंकि जो पिछड़ जाता है वो पिछड़ ही जाता है। यदि आपके कार्य के लिए कोई नई मशीन्स आई हैं जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं, आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि ये समय है अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का, हर तरह से, मानसिक रीति से भी, उद्योग की रीति से भी। और आज विशिष्ट की बातें विशेष में जो हमारे साथ मेहमान हैं, वो हैं भारत सरकार मंत्रालय के पूर्व मंत्री, आप पशुपालन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री रहे हैं। आइए आज उनके विचार सुनते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। गूंगा को अगर आप पूछेंगे कि वो एक मीठा आम देकर के वो कैसे लगेगा, वो नहीं बोल पाएगा। इसलिए मैं अनुभव करता हूँ, ये मुझे एक ऐसा आनंद का अनुभव था जो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारा जीवन में सर्वदा व्यस्तता है जी, और निरंतर गतिशीलता है, इसलिए हमको कभी रेस्ट लेने का अवसर नहीं जुटता है जी। और आज मुझे ऐसा आनंद का अनुभव होता है जो विश्रांति का अनुभव है जी। और मैं बहुत रिलैक्स अनुभव करता हूँ, हमारे जीवन में एक रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इधर सर्वत्र मैं देखता हूँ जैसा देव कुमारी, देव कन्या, देव शिशु है, और इसके इनके अंदर में ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के अंदर में वास्तव में मैं एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभव करता हूँ। एक्जैक्टली फॉर देट वी हैव टू एनालाइज द टोटल ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आवर एग्जिस्टेंस is not confined to this body-mind complex. We are not only this mass of flesh and bones. Bilkul. Beyond that something is there. And this we can realize simply by being a little introspective. I say that this is my hand, this is my eye, this is my body. It is so ugly, it is so beautiful and all that. This is my dress and all that. But this is not I. And what is that I? If a mosquito bites me, the sensation will be carried from the skin to the sensory organ in my brain. And the nerve center in my brain is the real organ. And after this sensation is carried to my brain, this will be carried to my mind. When the mind perceives it, it will be carried to my eye consciousness, which is called ego. So naturally, there is something beyond this body. Exactly. Similarly, the permanent bed within us is the self, is the Atman.
and which resides in our body, and which cannot be confined to the body also. Exactly. Hmm? It's a wonderful thing you are saying. Wonderful thing. आजकल अखबार पढ़ो या न्यूज़ सुनो तो उसमें ज़्यादातर न्यूज़ नेगेटिव होती है। उन्हें सुनकर देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अच्छा हो भी रहा है या नहीं, लेकिन साहेब यहाँ बहुत कुछ अच्छा होता है, सिर्फ उसको एक्सपोज़र नहीं मिलता है। और मुझे तो ऐसा लगता है न्यूज़पेपर या न्यूज़ में जो सबसे पहला पन्ना होता है, खबरें होती हैं, वो खुशी की होनी चाहिए, तरक्की की होनी चाहिए, वो संभावनाओं की होनी चाहिए, वो प्राप्तियों की होनी चाहिए। तो उससे जो है सारे समाज पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, सब में आशा और विश्वास जागेगा। और ब्रह्मा कुमारीज में हम इनको फॉलो भी करते हैं, लागू करते हैं, क्योंकि हम आप तक लाते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स, जो कि है विश्व कल्याण की, जो कि है खुशियों की। तो आइए सुनते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स। रांची के चुटिया में 108 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए समारोह का आयोजन हुआ। सुरेश्वर महादेव मंदिर के इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया। सुरेश्वर महादेव मंदिर कमेटी के महामंत्री छत्रपति महतो जी ने सभी का स्वागत किया। हम दीदी लोग मन तन धन से इनका स्वागत करते हैं। छोटी छोटी कुमारियों ने स्वागत नृत्य भी प्रस्तुत किया। मुख्य वक्ता बी के निर्मला दीदी ने कहा कि क्योंकि सच्ची पहचान उसकी हम संतान हैं, तो हमें भी उम्मीद चाहिए। जैसे यहाँ पे बनाया श्री माता राधा थी, उस पर एक कितनी लकीरें पत्थर चढ़ाती हैं। वास्तव में ऐसा क्यों, इसका भावार्थ है। इन सभी बातों के आध्यात्मिक रहस्यों को ध्यान देने के बाद हम अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरपूर कर सकते हैं। अंत में बीके इंदु ने सभी श्रद्धालुओं को राजयोग मेडिटेशन कराया। ये शरीर पांच तत्वों का पुतला है। इस शरीर को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूँ। आना जाना खेल है प्यारे, मिलना बिछड़ना खेल है प्यारे। कभी बादल हैं तो कभी होते हैं सितारे, कभी सर्द मौसम कभी हसीन है नज़ारे। इस दुनिया में दोस्तों होते हैं दो किनारे, सदा ये दो किनारे रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। ज़िंदगी की कई परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन इसमें जो एक चीज़ आप सदा शाश्वत रख सकते हैं वो है आपकी खुशी, आपका खुशनुमा चेहरा। तो सदा आप मुस्कुराते रहिए, सदा ईश्वर को शुक्रिया कहते रहिए जो भी आपके पास है उसके लिए। जैसे आज हम खुशियों को भर के आपको शुक्रिया कहते हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति।